अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं अचवानी। अचवानी के बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे हैं। हमने अपने व्यूवर्स से वादा भी किया था जब हमने निशास्ते की डिश डाली थी कि हम बहुत जल्द अचवानी डालने वाले हैं। अचवानी वैसे तो ये जच्चा को खिलाई जाती है, लेकिन जो भी कमजोरी होती है बॉडी के अंदर या दिमाग के अंदर या हड्डियों के अंदर या फिर कोई कमजोर बच्चे या लेडीज या बड़े बूढ़े या जेंट्स होते हैं ये वो भी खा सकते हैं। और आजकल मार्केट में सब कुछ नकल भरी पड़ी है, तो ओरिजिनल और असली चीज सिर्फ वही रह गई है जो इंसान अपने हाथ से बनाता है। तो ये नुस्खे आपको जरूर आजमाने चाहिए। एज के हिसाब से इंसान में कमजोरी आती रहती है, तो इस तरीके के नुस्खे अपने घर में जरूर आजमाते और खाते रहने चाहिए। ये बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो ज्यादातर लोग बाग सोचते हैं कि इससे वेट बढ़ जाता है, इससे कभी भी वेट नहीं बढ़ता है। तो बनाते हैं अचवानी। तो अचवानी के लिए सबसे पहले आप देखेंगे हमने ये 40 ग्राम बादाम ले लिए हैं। हमने इसको 5 से 6 घंटे भिगो दिया है। अब इसको छील के ये हमारे पास मौजूद है। जब हमने बादाम भिगोए थे उसी के अंदर हमने ये सूखा खोपरा भी डाल दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि ये आराम से पिस पाए। तो ये देखें ये इस तरीके से आराम से कट रहा है। आप सूखा भी डाल देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरा इस तरीके से भीग के छील के धुल के बहुत बढ़िया सा हो जाता है। 40 ग्राम बादाम लिए हैं, 40 ग्राम ही हमने ये काजू लिए हैं, हमने इन्हें भी भिगो दिया है। और ये देखेंगे हमारे पास ये 30 ग्राम खसखस है, खसखस भी हमने भिगो दी है। खसखस के ऊपर मुझे दो बातें बतानी है। हमारे कई व्यूवर्स के कमेंट्स आए कि आप खसखस को किस तरीके से साफ करते हैं, तो मैंने कभी वो जो मिट्टी वाली खसखस बोला गया है मैं उससे वाकिफ ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल फ्रेश खसखस मिलती है और इस तरीके की खसखस मिलती है, और हम ड्राई फ्रूट की शॉप से ही लेते हैं, कहीं अलग से भी नहीं लेते हैं, कि हम उसको कई मरतबा हथेली पर रख के खाते भी हैं जब लेते हैं और चखते भी हैं। तो कोई मिट्टी वगैरह मैंने कभी देखी नहीं है, तो मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। 40 ग्राम काजू हैं, 30 ग्राम हमने इसमें खसखस ली है। दोनों चीजों को हमने गर्म पानी में भिगो दिया है। काजू सॉफ्ट होने की बजाय इनका साइज भी इतना अच्छा सा बड़ा हो गया है। जिस पानी में हमने भिगोया है उसी पानी को हम ग्राइंडर में डालकर उसी के साथ पीसेंगे। 40 ही ग्राम हमने ये छुआरे लिए हैं, ये भी हमने भिगो दिए थे। अब इनके बीज निकाल दिए हैं और थोड़ा मोटा मोटा ही रफली ही काट लिया है। 40 ग्राम ही ये हमने खरबूजे के बीज लिए हैं, मेलन सीड्स कहते हैं इनको। ये देखें इस तरीके के होते हैं। ये भी हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स आए कि हम उनको छिलके वाले लेकर आ गए हैं, ऊपर एक छिलका चढ़ा हुआ है, वो कभी नहीं लाने चाहिए। छिले हुए मार्केट में बड़े आराम से 4 मगज या 5 मगज के नाम से बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप 5 मगज भी ले सकते हैं, और 4-5 में से आपके पास कोई एक मगज भी रखा हुआ है तो वो भी आपका चल जाएगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे हमने हर चीज बराबर ही ली है। खसखस थोड़ी सी हमने कम ले ली है, तो हर चीज आप इस तरीके से बराबर ही ले लें। 50 ग्राम हमने ये खोपरा लिया है, खोपरा थोड़ा सा ज्यादा लिया था। 1/2 टीस्पून हमने ये दखनी मिर्च ली है, देखते हैं हाफ है या ज्यादा है। ये हाफ ही है, 1/2 टीस्पून हमने दखनी मिर्च ली है। ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वैसे तो आप या हम इसे खाते नहीं हैं, लेकिन इसमें खाने का मौका मिला है तो आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो ये फटाफट से हम ये सब इसमें जार में डाल देते हैं। हम इसको बहुत बारीक बिल्कुल महीन पेस्ट बनाएंगे, थोड़े पानी की मदद से बनाएंगे। आप सोचे कि हम पानी की जगह इसमें दूध डाल लेंगे, वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, पानी ही डालना है। तो हम इसको बिल्कुल महीन पीसते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको किस तरीके से बनेगी अचवानी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये दखनी मिर्च, और ये नहीं घूमेगा तो थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। ये देखें ये हमने पीस लिया है, हमने इसके अंदर 100 मिलीलीटर के करीब पानी भी डाल दिया है। और आप देखें इस तरीके से आप एक चम्मच भी ले सकते हैं, उससे आप इसको चख कर देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे देर से पिसने वाली जो चीज़ है वो है खसखस। जब वो खसखस आपकी पिस जाएगी मुंह में नहीं आएगी जब तक आप इसको पीसते रहें। तो अब हम इसको छोंकने की तैयारी करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट और ये कुछ कुछ निशास्ते जैसे ही होते हैं, लेकिन इसको भूनने की और छोंकने की जो
तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो आप देखिए इस तरीके का भारी तली का कोई भी बर्तन ले लेना है, हल्की तली का बर्तन आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम क्या करते हैं इसमें, अभी आपको घी डाल के दिखा देते हैं। हम इसमें डाल देते हैं 100 मिलीलीटर घी और हम इसमें डाल देते हैं ये 4 इलायची और मीडियम फ्लेम पर रखते हैं। इसको दिखाते हैं आपको। आप इस तरीके का बर्तन लेने के साथ साथ ढकने वाला बर्तन लीजिएगा, क्योंकि हम जो इसको भूनेंगे तो ये बहुत तेजी से उछलता है। ड्राई फ्रूट भूनते टाइम बहुत ज्यादा उछलते हैं जब हम किसी डिशेज में डालते हैं, और ये तो बिल्कुल खाली ड्राई फ्रूट्स ही हैं, तो इसलिए आप ये ढकने वाला बर्तन लेना बहुत जरूरी है। ये देखें, ये हमने रख दिया है फुल फ्लेम पे घी। जैसे ही घुलता है फौरन डालते हैं इसमें निशाश। ये देखें घी गर्म हो गया है। वैसे भी घी को बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये देखें अब हम इसके अंदर ये निशास्ता डाल देते हैं। फुल फ्लेम है हमारा, निशास्ते का आप कलर देख सकते हैं, इसका व्हाइट कलर है। हमें इसे हल्का बादामी हो जाने तक भूनना है। ये देखें हमने जो इसमें घी डाला है, हम इसे चलाएंगे, ये पूरा मिक्स हो जाएगा घी इसके अंदर। लेकिन हमें इसको इतनी देर भूनना है, अभी हमारा फुल फ्लेम है, मिक्स कर देते हैं, फिर हम इसको मीडियम एंड स्लो फ्लेम पर इतना भूनेंगे कि इसका कलर हमारे चमचे के जैसा हो जाएगा। ये देखें पूरा घी इसमें मिक्स हो गया है। इसको भूनने की दो पहचान है, एक तो ये जो हम घी इसमें मिक्स कर रहे हैं, दोबारा ये घी इसके अंदर इसके बीच से निकल आने तक भूनेंगे, या फिर हल्का बादामी हो जाने तक। करते हैं इसको मीडियम, चालू करते हैं इसको अपने भूनने का पूरा तरीका, और इसको चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल भी थोड़ी सी देर के लिए भी आपने नहीं रुकना है। ये देख सकते हैं इस तरीके के खद्दे आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद इससे भी ज्यादा आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, तो हमें ये कवर भी करना पड़ेगा। ये देखें हमारे जार के अंदर जो नीचे ड्राई फ्रूट चिपके हुए थे, थोड़े से हमने 25-30 मिलीलीटर के करीब पानी डाला है और हमने उसको भी इसी में डाल दिया है। तो भूनते हैं। ये देखें इसको स्लो फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। हम इसे मुसलसल चला रहे थे, जब इसमें से छींटे छींटे से उड़ने लगी तो हमने इसको कवर कर दिया। लेकिन आप देखेंगे अभी भी इसमें से घी ऐसा निकल के नहीं आया है जैसे हमें चाहिए। तो ये देखें अभी भूनते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें घी कहीं कहीं किनारों पर है, सिर्फ यहाँ से नहीं निकल कर आया है। कलर भी अभी हमें इससे थोड़ा डार्क चाहिए। अभी भी हमारा स्लो फ्लेम है, हम इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं कि ये हम आपको अचवानी भी दिखाएंगे। अचवानी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसको आप तैयार कैसे करेंगे। ये 100 मिलीलीटर हमने दूध ले लिया है, ये सिर्फ हम आपको एक ही बंदे के लिए तैयार करके दिखा रहे हैं। हम इसको यहाँ गैस पर रख देते हैं, इसको भी हम स्लो फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आता है हम इसके अंदर डालते हैं 1 टीस्पून भर के पूरी चीनी। तो स्लो फ्लेम पे हम दूध भी उबलने के लिए छोड़ते हैं और इसको भी हम चलाते हुए और भूनते हैं। ये देखें जब हमने इसको डाला था तो ये चिपकने लगा था, उस टाइम इसको चलाने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये भून रहा है इसने ये पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी हम इसको और भूनेंगे, हमें इसे भूनते हुए हो गई है 26 मिनट। ये देखें इसको 32 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पे भूनते हुए। आप इसका कलर भी देख सकते हैं। इस वक्त हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबल स्पून। बहुत ज्यादा हम चीनी इसमें नहीं डालेंगे, 4 टेबल स्पून चीनी डालते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम नहीं बल्कि मीडियम फ्लेम पे कस के भूनेंगे, बिल्कुल चीनी खुश्क हो जाने तक, फिर से भूनते हैं। ये देखें चीनी डालने के बाद ये कैसे एकदम से दरदरा खिलावा हो गया है, और इसका देसी घी ये साइडों में भी और बीच में भी पूरा बीच के निकल गया है।
इस तरीके का दरदरा, जैसा हमने आपसे कहा था कि ये लगभग हमारे चमचे के जैसा ही कलर होना चाहिए, ये ऐसा हो गया है। अब फौरन से हम क्या करते हैं, अपने फ्लेम को बंद कर देते हैं और हमने जो आपको दूध दिखाया था उस दूध के अंदर उबाल आने वाला है। ये हम इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डाल देते हैं। अछवानी बिल्कुल तैयार है, हमने अपने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके की अछवानी आप इसको यूं ही भी खा सकते हैं, जैसा कि ये देखें, आप इसको बिल्कुल इसी तरीके की अछवानी को यूं लेके खा सकते हैं, खिला सकते हैं जच्चा को, जितनी वो खा सकें, थोड़ी भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है हमारी अछवानी, इसको आप एज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। अछवानी बिल्कुल इसी तरीके से खाई जाती है, आप इसको चम्मच से खिला सकते हैं। जिनसे ऐसे नहीं खाई जाती है, ये बहुत हैवी हो जाती है, उनके लिए एक तरीका है कि जैसा आपने देखा, ये हमने दूध लिया है, दूध में उबाल भी आ गया है, हमने आपको दिखाया था, फिर इसमें चीनी भी हमने डाल दी है। चीनी अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा, अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये लेंगे थोड़ा सा, कोई कैद नहीं है कितना लेंगे, और ये देखें हम ये इसके अंदर मिला देंगे जो हमने आपको दिखाई है अपने भिगोने के अंदर, जिसमें हमने भूनी है, तो उसमें से ये देखें, ये थोड़ी गाढ़ी होती है, निशास्ते से थोड़ी सी गाढ़ी बनती है ये, अभी भी हमारा फ्लेम चालू है, तो इस तरीके से मिला लें आप ये, और ये आपकी अछवानी हो गई दूध वाली। उबाल लगाएं इसके अंदर डेली, और एक उबाल लगाने के बाद आप इसको परोस सकते हैं। इस बिल्कुल इसी तरह हम इसे भी प्याले में निकाल लेते हैं, करते हैं तीनों तरीके के डिश आउट, दिखाते हैं आपको। ये देखें हम इसको इसके अंदर निकाल लेते हैं, और ये वाली इसको ड्राई फ्रूट्स का हलवा कह सकते हैं ये अछवानी, तो ये वाली भी, ये थोड़ी कम ही खाई जाती है, तो ये भी निकाल लेते हैं। और जो मैंने आपको दिखाई है भिगोने में, वो फ्रिज में रख सकते हैं आप 15 से 20 दिन, या फिर सर्दी का महीना है तो 1 महीने भी रख सकते हैं। जब भी खानी हो दूध में उबाल लगाएं, दूध में थोड़ी सी चीनी डालें, क्योंकि थोड़ी सी चीनी इसके अंदर भी है, उसको अच्छे से मिक्स करें और आप बड़े आराम से खा सकते हैं। जितनी थिक आपने खानी हो, जितनी लाइट खाएंगे हल्की रहेगी, और जितनी थिक खाएंगे आपको पसीना आ जाएगा, सर्दियों में भी ये इतनी गर्म है। तो ये अछवानी बिल्कुल तैयार है, दूध वाली भी, सादी वाली भी, और इस वाली को आप रख सकते हैं एयरटाइट जार के अंदर, एयरटाइट जार में रखें, डब्बे में रखें इसको, अच्छे से पोंछ के, बिल्कुल ये कलर आप इसका एक बार और देख लें, बिल्कुल ऐसे कलर हो जाने तक, बिल्कुल पैन से छूट जाने तक भूनना है, भारी तली के बर्तन में भूनना है। घी अपनी मर्जी के मुताबिक कम भी कर सकते हैं इसमें से, और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं किसी जार के अंदर। तो ये इस तरीके से अछवानी बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, जरूर खाएं, अपनी जच्चा को खिलाएं या फिर खुद खाएं। अल्लाह हाफिज़।